ओके तो अब ये इधर का हो गया। फिर इसके लिए भी हम लोग एक ठो ले लेते हैं फ्रिक्शन सरफेस बॉडी, ये हो गया, ये भी मेरा बी हो गया। और ये क्योंकि देखोगे यहाँ पे एक कोन है, बिल्कुल एक कोन शेप का हो गया है, तो इसका एंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग ही इसका विड्थ हमारा चेंज, ये जो मेरा ऊपर की तरफ ऊंचाई है ये मेरा बढ़ेगा घटेगा। तो ये हम एंगल ले लेते हैं सिंपली अल्फा, इधर इट इज एंगल, इधर कोन एंगल, मतलब इस एंगल के हिसाब से ये दो फ्लेक्शन सरफेस को हम लोग ऐड किए हुए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मीट एट दिस पॉइंट। ओके नो तो अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डब्ल्यू अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि एक्सियल लोड यहाँ पे, क्योंकि हम लोग हाथ की तरफ से भी कर सकते हो या पैर की तरफ से, जब भी कर जहाँ भी करो, ये तो मेरा मूवमेंट एक्सियली मूवमेंट ही ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा मेरा, तो वो तो मेरा मूवमेंट ही होगा। अब क्योंकि जब ये मूवमेंट होगा तो इसके ये जो मेरा रेड है और ये ब्लू के ऊपर क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो इसके ऊपर मेरा फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे फ्रिक्शंस, मतलब कि नॉर्मल प्रेशर, द नॉर्मल प्रेशर किसके बीच में, तो दो सरफेस के बीच में मेरा प्रेशर लगेगा। ओके तो नाउ ये फ्रिक्शंस है, तो इसमें जो मैं मटेरियल होगा वो मैं कुछ कुछ डाटे हैं पे लिख देते हैं, मतलब लव वेयर। और ये जो मेरा पॉइंट है जो यहाँ से हम लोग लेंगे इसका हाइट, वो सपोज इट्स डिपेंड ऑन यू कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। ओके तो क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है मेरा एंगल पे कि एंगल क्या होना चाहिए, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा दिस इज आर टू एंड फ्रॉम दिस एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम आर वन, इट्स डिपेंड्स ऑन योर एजप्शंस कि हम इसको क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। नाउ सेकेंड थिंग्स कि अब हम क्या कर सकते हैं कि ये असल में हो क्या रहा है, ये मैथमेटिकली इसको हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि ये तो मेरा एक बेसिक फंडा था, मैथमेटिकली ये कैसा दिखता है, इसमें मैथ्स का क्या यूज़ है, इसमें फिजिक्स का क्या रोल है, और मैथमेटिकली इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना क्या लगेगा मेरा। तो क्योंकि यहाँ पे छोटे एक एलिमेंट हम बी ले लिए हैं, तो हम छोटा सा एलिमेंट पे फोकस करेंगे, तो वी टेक द स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा एलिमेंट हम ले लिए हैं, छोटा सा एलिमेंट, ओके दिस इज स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट ले लिए हैं, तो उस छोटा सा एलिमेंट के लिए हम क्या करें कि ये छोटा सा एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये चीज़ हो गया, ये छोटा सा एलिमेंट हो गया। तो ये छोटा सा एलिमेंट का जो मेरा, इसको हम ले लेते हैं डी एल, मतलब स्मॉल लेंथ, यहाँ पे टोटल विड्थ पी है, उसी में छोटा एलिमेंट हम ले लेते हैं डी एल। ओके और ये जो मेरा चीज़ हो गया दिस वन इज कॉल्ड द डी आर, इज अ डी आर। तो क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे मेरा आर टू है, तो इसका ये अगर इसका फोकस करोगे, इसका फोकस करोगे दिस पार्ट, मतलब आर टू माइनस आर टू ये हो गया मिनी छोटा वाला, और बड़ा वाला आर वन हो गया इसका विड्थ का, तो ये एंगल कितना निकलेगा, तो ये होगा आर वन माइनस आर टू। ओके तो ये मेरा एक पार्ट हो गया, इसके ऊपर ये जो छोटा सा एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट को हम जोड़ दिए इस तरह से, यही एलिमेंट को यहाँ पे निकाल दिए हैं। ओके इट इज़ माई सिंपल मैथमेटिकली फॉर्मेट टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन टॉर्क, रिक्वायर्ड हाउ मच टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द फ्रिक्शन सरफेस। तो अब ये देखो कि ये मेरा डी एल है और डी आर है, और ये मेरा एंगल इट इज़ अ नथिंग बट द अल्फा। ओके तो ये कैसे निकलेगा, जैसे ये चीज़ हो गई, ये मेरा अल्फा हो गया, ये क्या हो गया मेरा, जैसे ये दिस पार्ट, ये डी एल हो गया और ये मेरा पार्ट डी आर हो गया, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हम लोग हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट। ये तो मेरा सिंपली मीनिंग मेरा करेक्ट है कि यहाँ पे डी एल है, और ये चीज़ मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट ये हो गया मेरा डी आर, वी टेक द स्मॉल, यहाँ पे मेरा टोटल जो हाइट है आर माइनस आर टू हो गया, तो छोटा सा हाइट हम ले लेते हैं इसी के हिसाब से, तो वो मेरा हो गया डी आर स्मॉल एलिमेंट। तो यूजिंग द साइन अल्फा, यहाँ पे मेरा अल्फा हो गया, तो क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हो, डी आर बाई
डी एल, ओके, देयरफॉर द डी एल इज इक्वल टू डी आर बाई साइन आल्फा, ओके, देन डी एल इज इक्वल टू नथिंग बट जस्ट साइन आल्फा मीन्स कॉस कॉसेक आल्फा इन टू डी आर. तो वाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, वाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, ओके, तो एरिया जो होगा मेरा, एरिया ऑफ ए स्मॉल, ये जो मेरा तक एलिमेंट हो गया है, ए स्मॉल एलिमेंट इज नथिंग बट टू पाई आर, बिकॉज क्योंकि ये मेरा रोटेट कर रहा, और इसका जो मिड पॉइंट जो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए ले लेते हैं आर, ओके, यहाँ से लेके आर, टू पाई आर इंटू टोटल लेंथ हो गया मेरा डी एल मीन्स कॉसेक कॉसेक आल्फा डी आर, ये मेरा स्मॉल आर हो गया. तो नाउ द कैलकुलेट, अब यहाँ पे क्योंकि अब हमको निकालना है फ्रिक्शन टॉर्क, तो इसके लिए दो एजप्शन था, डिपेंड्स ऑन यू कि कंसीडरिंग किसको हम माना जाए, जैसे यूनिफॉर्म प्रेशर लॉ वियर या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, एजप्शन हम किसी भी एक फील्ड पर हम काम कर सकते हैं और इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा. तो सबसे पहले टारगेट ये निकालना है, क्योंकि हमें बेसिकली हमको करना क्या चाहिए, हमको बेसिकली करना है कि फ्रिक्शन टॉर्क निकालना है. फ्रिक्शन टॉर्क निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्रिक्शन टॉर्क निकालने के लिए हमको चाहिए फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, ओके, फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, आर का मतलब हो गया जी जो मेरे यहाँ से लेकर फिलहाल एक स्मॉल आर मान लेते हैं, जैसे इस पूरा टोटल विड्थ का जो इनिशियल पॉइंट आर टू माना गया है और फाइनल पॉइंट माना गया है आर वन, ये टोटल विड्थ हो गया. जब हम छोटा सा एलिमेंट लिए तो उसका डिस्टेंस इस एक्सिस से माना गया है आर, ओके, तो वो ही आर हो गया. तो फ्रिक्शन फोर्स इस छोटे से एलिमेंट पे कितना हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर. अब सवाल है कि आर तो ठीक है मेरा आर है, और अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो अब यही मेरे लिए फ्रिक्शन टर्फ हो गया कि आखिर ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने का यही हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स निकलेगा कब, जब मेरा कोफिशिएंट होना चाहिए. तो फ्रिक्शन फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, सपोज इस फ्रिक्शन फोर्स एट आर इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस मटेरियल इनटू नॉर्मल रिएक्शंस, इनटू नॉर्मल रिएक्शंस, ओके, ये फ्रिक्शन फोर्स का रूल नियम हो गया. अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या निकलेगा, तो ये मेरा W जो है वो तो मेरा हॉरिजॉन्टल है, अब इस W के चलते इस पे कितना लगेगा रिएक्शन, ओके, इस पे कैसे लगेगा रिएक्शन W, एनीबॉडी नाउ. तो सो ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम ये मान लेते हैं कि छोटा सा एलिमेंट हो गया, तो इसको हम लिख दिए म्यू इंटू स्मॉल डब्लू एन, मतलब क्योंकि छोटा सा एलिमेंट हम लिए हैं, बड़ा एलिमेंट के लिए हम फाइनल डब्लू एन कर देंगे. तो अब डेल डब्लू एन यही हमको निकालना है. अब ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो कोई डाउट नहीं है. ये निकालने के लिए क्या तरीका है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, ओके, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमको चाहिए जो कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शंस है वो, मतलब कि वर्क होना चाहिए, इसके ऊपर कितना काम कर रहा है मेरे लिए है. तो सो देयर फॉर यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग, इफ़ यू अगर देखोगे कि यहाँ पे मेरा W, यहाँ पे मेरा लग रहा है W, ओके, तो एक इसका दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे ऐसे, एक कंपोनेंट लेंगे ऐसे, तो यही ना हो गया मेरा नॉर्मल रिएक्शंस, जो मेरा एलिमेंट है ये इस तरह से जो कौन बना हुआ है, तो इसके ऊपर क्या ये नॉर्मल फोर्स लगा, तो ये कैसे निकलेगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन. सिंपली वी साइन फीज साइन अल्फा यूज़ करेंगे, तो जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो निकलेगा, जो कि रिंग के ऊपर काम होगा मेरा, वो निकल जाएगा सिंपली जो छोटा सा एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा है. इट्स वेरी वेरी ईजी टू W, जो मेरा वर्क काम कर सकता है मेरा वो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये काम कर रहा है, तो इट्स कैलकुलेट बाई यूजिंग बस लाइक दिस ट्रायंगल मेथड्स, ओके, एंड देन वी गेट दिस वैल्यू, शुड बी नोटेड हियर दिस वैल्यू यूजिंग दैट बाई साइन अल्फा, जस्ट लाइक सिमिलर टू वैल्यूज. तो देयरफॉर दिस इज आवर वैल्यूज, ओके. नाउ इफ यू अब W को हम लोग ऐसे कर दें, अगर हम लोग तो डेल डब्ल्यू एन साइन आल्फा,
इस हिसाब से भी यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे मेरा जो डब्ल्यू लोड है, यहाँ पे डब्ल्यू लोड है जो हम लोग एक्सेल लोड हम देंगे, इस ये जो डब्ल्यू का जो डब्ल्यू एक्सेल लोड हम देंगे, तो ये डब्ल्यू लोड एक्सेल जो इधर जाएगा, मैं इस डब्ल्यू के चलते इधर लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मैं लोड लगेगा तो बेसिकली ये जो मैं प्रेश जो मेरा फ्रिक्शन सरफेस है इसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस का अपना एक बियरिंग प्रेशर इंटेंसिटी होता है कि जो हम लोड देंगे वो असल में कितना प्रेशर इसके ऊपर लगाएगा मेरा है। तो जो मेरा प्रेशर इसके ऊपर लगाएगा वो असल निकलता मेरा है डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर में दिया हुआ होगा। ओके दिस वैल्यू, ओके दिस वैल्यू इज नथिंग बट द नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे तो मैं प्रेशर फोर्स होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर फोर्स जो कि मेरा लगेगा सरफेस मटेरियल सरफेस पे, लोड इनटू एरिया। ओके तो ये नॉर्मल प्रेशर कौन लगाएगा, पता है ये नॉर्मल प्रेशर लगाएगा मटेरियल सरफेस का। तो मटेरियल सरफेस का असल में ये बियरिंग प्रेशर हुआ, बियरिंग प्रेशर जो जो मटेरियल जो दो दो सरफेस जो रोटेट करता है तो उसका एक बियरिंग स्ट्रेस निकलता है, बियरिंग प्रेशर निकलता है। तुम लोग के थर्ड सेमेस्टर में एक बियरिंग स्ट्रेस तुम लोग को नहीं पढ़ना था, बियरिंग स्ट्रेस जहाँ दो मटेरियल साथ साथ रोटेट करता है तो उस समय इसका एक बियरिंग कैपेसिटी होता है। तो जो बियरिंग स्ट्रेस या बियरिंग प्रेशर के होता है उसका एक प्रॉपर्टीज होता है, तो वो बियरिंग प्रेशर पी एन इक्वल टू ए लगेगा मेरा। तो डेल डब्ल्यू एन इक्वल टू पी एन इंटू टोटल एरिया जो कैलकुलेट कर चुके थे डब्ल्यू टू पाई आर। ओके ये जो एरिया था मेरा यहाँ पे दिस वैल्यू टू पाई आर डी आर कॉसेक अल्फा। ओके तो ये मेरा हो गया आप तुमको ये। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन एक्सेल लोड कहीं कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा मेरा, तो दिस इज दिस डब्ल्यू एन दिस दिस वैल्यू एंड दिस साइन अल्फा। तो फाइनली हमको जो आंसर मिलेगा वो निकलेगा टू पाई पी एन आर डी आर, दिस इज 2πPN, दिस इज द एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स जो कि एक रिंग पे मैं लगेगा एक्सियल फोर्स की तरफ से। ओके तो ये मैं जो एक्सियल फोर्स लगा W जो लगा मेरा एक्सियल फोर्स, अब बताओ कि इस पे टोटल एक्सियल फोर्स कितना लगेगा मेरा, और ये तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो मेरा कि एक्सियल फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर है। तो ये हो गया तो मेरा एक रूल कि जो एक्सेल फोर्स लगेगा और अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर एजप्शंस तो पी एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई पाई आर वन का होल स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर, इट इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर लॉ। So therefore, the friction is nothing but mu and del W n. Okay, this is a normal. जो reaction मेरा काम किया जो इसके ऊपर. तो just put कर देंगे mu P n 2 pi R d R कॉसिक अल्फा। ओके देन ये मैं जब फ्रिक्शन फोर्स लगा तो फ्रिक्शन टॉर्क मेरा क्या लगा कि यहाँ पे जो म्यू था मेरा ये यहाँ से मैं म्यू निकल गया। ओके तो हमने इसको म्यू को निकाल दी इस टर्म से हम लोग हैं। तो नाउ दिस इज अवर इक्वेशन, जस्ट पुट देन फ्रिक्शन टॉर्क जो मैं निकलेगा वो टॉर्क इक्वल टू नथिंग बट जस्ट वी आर टू पाई आर वन टू पाई म्यू पी एन cosec alpha and rq into just dr, just put all the values in the torque. Okay, means is equation mein put karoge friction torque, ye wala cheez mein friction torque f into r, just sabko integrate karoge to we get the result t equal to 2 by 3rd mu w cosec alpha r1 ka power q ये हुआ मेरा। देखिए तुम्हारे सिलेबस में इसको मैथमेटिकली नहीं पढ़ना है, ओके सिर्फ तुमको पढ़ना है थ्योरी।